दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो स्मार्टफोन अभी आप यूज़ कर रहे हो, 50% चांसेस है कि जो आपका स्मार्टफोन है वो हैक्ड हो सकता है। आप जो यूज़ कर रहे हो वो ऑलरेडी हैक्ड होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो में आप लास्ट तक बन रही हो कि इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि जो भी स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो, क्या ऐसे साइंस हैं कि आप पहचान सकते हो कि आपका स्मार्टफोन हैक हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका स्मार्टफोन हैक हो गया है तो प्रॉब्लम की बात है, और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो कि शुभ चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि आपका स्मार्टफोन जो है वो हैक हो चुका होगा। सबसे पहले साइन की बात करें कि आपका स्मार्टफोन जो है बहुत हीट हो रहा है। कैसे हीट हो रहा है? जैसे ये स्मार्टफोन यहाँ रखा हुआ है, अब ये स्मार्टफोन यहाँ रखा हुआ है, अब इसको मैं 4-5 घंटे तक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस ये ऐसे रखा हुआ है, और जब मैं उसको पिकअप करूंगा तो वो बहुत हीटेड रहेगा। अब स्मार्टफोन कब हीट होता है? जब आप उसे ज़्यादा यूज़ करते हो, जब आप गेम्स खेलते हो, जब आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हो, गाने सुनते हो, मतलब यूज़ करोगे तब तो हीट होगा। अब वो रखा है 3-4 घंटे से और फिर भी हीट हो रहा है, सो व्हाट्स द रीज़न? द रीज़न इज़ योर स्मार्टफोन इज़ बीइंग यूज्ड फ्रॉम समवेयर एल्स, जिसकी वजह से ये एक साइन है कि आपका स्मार्टफोन हैक हो चुका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, किसी भी टाइम अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर आपका स्मार्टफोन हीट हो रहा है तो वो हैक हो चुका है, अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई अगर मेरा स्मार्टफोन कोई और यूज़ कर रहा है तो वो किस लिए यूज़ कर रहा है और उसमें बहुत सारा डेटा है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि वो आपका डेटा निकालने के लिए यूज़ हैक हो गया हो, बहुत ज़्यादा तरीके से ये चीज़ें होती हैं कि वो आपका जो डेटा होता है, मतलब जो इंटरनेट डेटा होता है उसको निकालने के लिए वो यूज़ करते हैं, या फिर वो आपको एक कैरियर की तरह यूज़ करते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रास्ते की तरह यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पर्सनल डेटा ले रहे हो, वो आपके स्मार्टफोन को एक कैरियर की तरह यूज़ कर रहे हो। तो कुल मिला जुला करके हैक तो है और आपका पर्सनल डेटा भी जा सकता है। तो पहली तो ये चीज़ है कि आपका स्मार्टफोन हैक हुआ है अगर आपका स्मार्टफोन रखे रखे ही गर्म हो जा रहा है। दूसरा जो साइन है वो ये है कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि वो आपका इंटरनेट डेटा यूज़ कर सकते हैं, आपको कैरियर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जो इंटरनेट डेटा है अगर आपका रखे रखे खत्म हो जा रहा है, मान लीजिए कि आपको 1.5 GB डेटा डेली मिलता है और आपका स्मार्टफोन का डेटा आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो, आपने 1-2 वीडियो देखे नॉर्मल 480 पिक्सल पे और आप बस ऐसे ही गेम खेल रहे हो, और आपका 1.5 GB डेटा खत्म हो गया और आप कह रहे हो अरे यार ये क्या हो गया। मैंने कई बार ऐसे देखा है, कई बार ऐसे कंप्लेंट्स मुझे मिली हैं कि 12 बजे के बाद जो इंटरनेट डेटा मिलता है जियो में, 1 बजे के बाद जो इंटरनेट डेटा मिलता है 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो गया, यार कुछ नहीं, ऐप यूज़ नहीं किया, कोई चीज़ अपडेट नहीं की और डेटा ख़त्म हो गया। ऐसे कंप्लेंट्स मैंने कई बार सुनी है लोगों से। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है, आपका जो स्मार्टफोन है वो हैक्ड है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, बात कर लेते हैं तीसरे साइन की। ऐसा कौन सा तीसरा साइन है जो कि ये दिखा देता है कि आपका स्मार्टफोन जो है वो हैक्ड है? जो भी आप ऐप्स यूज़ कर रहे हो वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, जैसे फंक्शन नहीं कर रहे। जैसे आप फेसबुक खोल रहे हो, या आप व्हाट्सएप खोल रहे हो, या आप टेलीग्राम खोल रहे हो, या आप कोई भी एप्लीकेशन खोल रहे हो, तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा। जैसे अब वो स्मूथली फंक्शन किया करता था, वैसे वो स्मूथली फंक्शन नहीं कर रहा। आप सारी कोशिशें कर चुके हो, रैम क्लीन कर चुके हो, फोन को रीस्टार्ट कर चुके हो, नेट बंद करके ऑफ करके ऑन कर चुके हो, एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ कर चुके हो, सारा चीज़ कर चुके हो, उसके बावजूद आपके जो ऐप्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि आपका जो फोन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो फोर्थ चीज़ आपको ध्यान रखनी है इन चीज़ों में कि आपका फ़ोन जो है वो हैक्ड है कि नहीं, आप देखोगे आपके स्मार्टफोन में नए ऐप्स अपने आप दिखाई देंगे, मतलब कि आपने ऐसे ऐप्स दिखाई देंगे जो आपने कभी इंस्टॉल नहीं किए, जो आपने कभी देखे नहीं, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहे हैं आपके स्मार्टफोन में। और ये चीज़ें मैंने पर्सनली देखी हैं, और उसमें होता क्या है कि आपको करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? अगर ऐसा चीज़ हो रहा है, आप सीधे अपने शोरूम जाओ, अपने सर्विस सेंटर जाओ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आईक्यू का फ़ोन है, वीवो जाओ, वीवो का फ़ोन है वीवो जाओ, ओप्पो का फ़ोन है ओप्पो के सर्विस सेंटर जाओ, रेडमी का फ़ोन है रेडमी के सर्विस सेंटर जाओ, जिस कंपनी का आपका स्मार्टफोन है उसके सर्विस सेंटर जाइए और जा करके अपने स्मार्टफोन को पूरी तरीके से रीसेट कराइए। उनको बताइए कि मेरा स्मार्टफोन जो है वो हैक हो चुका है, और उसको आप पूरी तरीके से रीसेट करिए, नया सॉफ्टवेयर इसके ऊपर चढ़ाइए, और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बात कर लेते हैं पांचवी चीज़ की जो आपको ध्यान रखनी है, पांचवा जो साइन है जो कि आपको ये शो करेगा कि आपका स्मार्टफोन हैक है कि नहीं हैक है। आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन होने लगेगी। मान लीजिए आप फ़ोन रखे हो, मैंने बताया ना, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया ओवरहीटिंग वाला, रखे रखे जो है वो फ़ोन बहुत तेज़ गर्म हो जा रहा है, वैसे ही आप फ़ोन यूज़ भी नहीं कर रहे, आपके पास 5000 mAh की बैटरी है और आपका स्मार्टफोन की बैटरी बहुत तेज़ी से 4-5 घंटे के अंदर ड्रेन हो गई, पूरी की पूरी ड्रेन हो गई, तो ये भी एक साइन है कि जो आपका स्मार्टफोन है वो हैक्ड है और आपका स्मार्टफोन कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक जो छठी चीज़ है जो कि थोड़ी 50-50 पड़ती है,
ये क्या होता है कि अगर आप कोई अननोन वेबसाइट या अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आप अलाउ कर देते हो तो उसके एडवर्टाइजमेंट्स आने लगते हैं, वो अलग चीज़ होती है, वो आपका स्मार्टफोन हैक नहीं होता, वहाँ पे आप चीज़ों को अलाउ करते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप अपने स्मार्टफोन का ध्यान रखते हो, आप कोई भी चीज़ अलाउ नहीं करते, किसी वेबसाइट को अलाउ नहीं करते नोटिफिकेशन देने का, और उसके बावजूद आपको एड्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं फालतू के, बहुत ही घटिया घटिया एड्स आते हैं, एडल्ट तरीके के एड्स आते हैं, फालतू एकदम घटिया एड्स आते हैं। अगर वो एड्स आपके स्मार्टफोन में आ रहे हैं और आपने अलाउ नहीं किया हुआ है, आपने कहीं भी साइट पर जाकर के गलती से भी अलाउ नहीं किया हुआ है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स, तो इसका मतलब है कि आपका स्मार्टफोन जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। सल्यूशन क्या है इसका? देखिए, सल्यूशन यही है कि आप पहले उसने स्मार्टफोन को कंप्लीटली रीसेट कर दीजिए, एकदम फैक्ट्री रीसेट, यही एक सिंगल सल्यूशन है आपको खुद करना है। और अगर आपके स्मार्टफोन को कंप्लीटली रीसेट करने के बावजूद, फैक्ट्री रीसेट करने के बावजूद आप में प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास जो फोटोज हैं, जो वीडियोस हैं, सब डिलीट मार दीजिए, एक भी फोटो वीडियो अपने स्मार्टफोन में मत रखिए, डिलीट मार दीजिए, ताकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स हों उन फोटोज वीडियोस या उन एप्लीकेशंस को लेकर के जो कि आपने फ़ोन में रखे हो, वो क्लियर हो जाएं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई बग हो जो कि आपके स्मार्टफोन के जो डेटा को है वो इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहा हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्मार्टफोन को रीसेट मार दीजिए, रीसेट नहीं मारना चाहते, फैक्ट्री रीसेट नहीं मारना चाहते तो सारे फोटोज़ वीडियो सब कुछ डिलीट कर दीजिए, सारे ऐप्स डिलीट कर दीजिए, तो वो रीसेट मारने के बराबर ही होता है, रीसेट मार दीजिए। रीसेट मारने के बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपका स्मार्टफोन हैक्ड है या कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर आप इस चीज़ को फील कर रहे हो तो आप स्मार्टफोन रीसेट करोगे ना तो भी आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब वो ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसके लिए आप जाइए सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर जा करके अपने स्मार्टफोन को आप वहाँ से रीसेट कराइए, उस पर नया सॉफ्टवेयर लगवाइए, उनसे कहिए कि इसको आप रीसेट करिए, कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरा स्मार्टफोन जो है वो हैक हो चुका है और वो अननोन एड्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही, जो कि पांच छह प्रॉब्लम्स मैंने आपको, पांच छह साइंस मैंने आपको बताए, अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको आप बताइए और वो इस चीज़ का सोल्यूशन आपको करेंगे कि आपके स्मार्टफोन को वो अपने तरीके से रीसेट करेंगे और वो एक नया सॉफ्टवेयर उसके ऊपर चढ़ा देंगे जिसकी वजह से वो आपका फ़ोन जो है वो फिर से सिक्योर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अपने स्मार्टफोन में आप एनक्रिप्शन मोड ऑन करके रखिए, सेटिंग्स का सेक्शन होता है उसके अंदर एनक्रिप्शन मोड होता है, मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि ये एनक्रिप्ट एंड क्रेडेंशियल्स का मोड है, एनक्रिप्शन एंड क्रेडेंशियल्स का ये मोड है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो स्मार्टफोन है वो एनक्रिप्टेड है या नहीं, जैसा कि आप यहां पे दिखा सकता हूं मैं आपको, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि यहां मेरा फोन जो है वो यहां पे देखिए एनक्रिप्टेड लिखा हुआ है और ये मेरा फोन एनक्रिप्टेड है, तो यहां से आप अगर अपने एनक्रिप्शन को इनेबल नहीं है तो इनेबल कर दीजिए, तो आपका फोन जो है वो हैक नहीं हो पाएगा और आप परेशानी से दूर रहोगे। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो अपने फ़ोन को हैक से बचाने के लिए और अगर हैक हो चुका है तो उसको सेफ करने के लिए। दोस्तों, ये थी वीडियो आपको जानकारी देने के लिए कि कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए कि वो दिखाते हैं कि आपका स्मार्टफोन हैक्ड है या नहीं है, और हैक हो गया है तो क्या करना है, हैक नहीं हुआ है तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है, तो अपने फ़ोन को आप एनक्रिप्टेड ज़रूर रखिए। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आ गई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।